नमस्कार, स्वागत करो हमारा। हमारा नाम चुलबुल पांडे है, लोग प्यार से रॉबिन हुड पांडे कहते हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वागत तो करो हमारा। एक होता है गुंडा और एक होता है पुलिस वाला गुंडा, और हम हैं पुलिस वाला गुंडा। आप हमारे घर आए, इस बात से हमको आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि आप मेरे घर जब आए, जब हम घर पर मौजूद नहीं थे। और ये चुलबुल पांडे का जबरदस्त चश्मा है, आप लोग पहनिए और अपने घर में चुलबुल पांडे वाला डांस कीजिए। सबसे पहले बता दूं कि आज मैं दबंग 3 देख के आया हूँ। दबंग 3 बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, इस साल की उसकी बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग लगी है। और फिल्म में एक ज़बरदस्त मसाला है, प्रभु देवा का ठुमका और सलमान सर का एक्शन, दोनों मिला के आता है रोमांस और रोमांटिक जोश और सबसे ज़्यादा इमोशन। एक्शन और इमोशन तीनों मिला के पिक्चर सुपर डुपर हिट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि कितने प्रतिशत आप मार्क देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सलमान सर के लिए कोई प्रतिशत नहीं है, 100% से ऊपर सलमान सर हैं। और 1000 करोड़ से ऊपर पिक्चर जाएगी, या आप लोग देखते रहिए, मिलते रहिए और मिलते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक तो बनता है। हाँ, आपको सब कुछ मुन्ना बदनाम हो जाए। आप लोग आइए हमारे साथ, अगर जो दर्शक हैं हमारे साथ, संजू बाबा हैं, बाबा आइए हमारे साथ। और भी हमारे काफ़ी लोग पिक्चर देखने के लिए आए हैं, और मैं गाना तो अभी गा के आपको सुना सकता हूँ, क्योंकि चलिए थोड़ा टाइम जंगी दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो गाना बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ है, आप लोग देखने जाइए अपने नज़दीक सिनेमा हॉल में। और वो गाना है तो एक नया स्टाइल दिया ना, पहले क्या होता, स्वागत नहीं करोगे हमारा, अब स्वागत तो करो हमारा। तो भाई तो भाई हिट है, भाई तो मेरे फेवरेट है। ऐसे भी क्योंकि वन का पार्ट मुझे हमेशा अच्छा ही लगा, क्योंकि वन पहली बार आया था, पार्ट बहुत अच्छा लगा, और पार्ट टू भी याद, पर थ्री पार्ट मुझे ऐसा लगता फर्स्ट का जो फर्स्ट ग्राफ है थोड़ा सा ये जा रहा है, बट गाने के वजह से। दूसरी बात के महेश मांजरेकर की जो लड़की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा सा अच्छा लगा, बट उतना वन पार्ट बेटर। स्टोरी लाइन तो मतलब सलमान भाई है तो कुछ चलेगा तो भी चलता है, क्योंकि भाई का हमेशा डायलॉग डिलीवरी अच्छा रहता है एक बहुत, और मुझे उनका भी अच्छा लगा, सुदीप जी जो विलन का जो किया, एक्शन अच्छा लगा, कुछ गाने मुन्ना बदनाम हुआ गाना अच्छा लगा है। अच्छा, बट सोनाक्षी जी के साथ ज़्यादा केमिस्ट्री बहुत बढ़िया, हिज एंट्री, वेर एवर ही मेक्स एन एंट्री इन द सीन इज फैंटास्टिक एज यूजुअल, एवरी सीन दैट ही मेक्स एन एंट्री इज अ वेरी ग्रैंड्योर एक्चुअली। तो बहुत बढ़िया एंट्री, और एंटरटेनमेंट तो फैक्टर है ही है सलमान, एवरीबडी नोज हिज पंचेज, वन लाइन पंचेज, हिज एक्शन एंड हिज डांसिंग इज अनबीटेबल एक्चुअली। तो ही इज डन अ वेरी फेयर गुड जॉब इन द मूवी, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। हाँ, सैफी के साथ भी केमिस्ट्री है, बट थोड़ा सा रोल उनको कम मिला है, तो आई थिंक दैट जस्टिस इज नॉट डन, सो आई थिंक शी वुड हैव गॉट बेटर रोल एंड लिटिल लॉन्गर, बट थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके दिखाया है उनका, बट इट्स ओके, द केमिस्ट्री इज वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली शी डिडंट हैव मच टाइम ऑन द स्क्रीन स्पेस टू शो हर स्किल्स, यू नो। तो गाने बढ़िया हैं पिक्चर के, बहुत 7 गाने हैं, 7 में से 3 तो बहुत बढ़िया है। स्टोरी लाइन इट्स गॉज इन दिस वन इज The first was, of course, the original. Nobody can beat the first one. They are carrying on the franchise. Here, they have taken into the flashback. पहले उनके प्यार के बारे में, तो वो screen time उसमें split हो जाता है. पर बढ़िया है. It keeps people on the edge of the story. The first half little bit slow it goes, but it's entertaining. It's entertaining on the whole. ओ स्वैग से स्वागत किया है
entry is awesome. What an action scene, yaar. What an action scene. वो देख के ही फुल चार्ज्ड मॉर्निंग शो था ना फुल चार्ज हो गए हम सल्लू की एंट्री देखते ही न्यू ईयर गिफ्ट सीरियसली बेस्ट डबंग थ्री बेस्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आप बोर नहीं होते बॉस भले थोड़ी लंबी है एंड हो गया एंड वी वर लाइक थोड़ा और खींच लेता यार सलमान क्या मूवी है यार फ्रेश डायलॉग्स फ्रेश एक्शन एंड सल्लू का डांस मूव्स आई थिंक जुड़वा के बाद सल्लू ने अब डांस की प्रभु देवा डायरेक्शन थी ना बॉस देना पड़ेगा आई थिंक उनके जो कैरेक्टर का था ना उसका छोटी गाँव वाली शी वॉज स्वीट शी वॉज ओके बट यू कैन कम्पेयर नो सोनाक्षी एंड सल्लू इज लाइक फ्रॉम दबंग वन यार दबंग वन यू कैन कम्पेयर बट ठीक थी फॉर अ फर्स्ट टाइम शी वॉज नाइस मुन्ना इस बार सिर्फ मुन्ना एग्जैक्टली मुन्नी इज आउट बॉस अब नहीं लगता मुन्नी आएगी अरे मैडम बेल्ट निकाल के मुन्ना पतना महुआ डार्लिंग तेरे लिए मुन्ना पतना महुआ डार्लिंग तेरे लिए दैट सलमान वाज थैंक यू सल्लू वी लव यू थैंक यू मैम ये फर्स्ट डे बॉस सल्लू अगर आप ये शो देख रहे हैं अगर आप ये न्यूज देख रहे हैं हम आपकी हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं एक पिक्चर हमारे साथ तो बनती है बॉस थैंक यू बहुत अच्छे तरह से बहुत दबंग टाइप में स्वागत किया है हाँ जी कैसी लगी ये दबंग थ्री मतलब वन टू से एकदम सुपर से भी ऊपर है मजा आया मूवी देख के एक्शन रोमांस कॉमेडी सब कुछ बहुत अच्छा था सलमान का ये डबल रोल है इसमें आई गेस नहीं डबल रोल नहीं है क्या भी न्यू कास्ट है इसमें साई हाँ साई मांजरेकर बहुत अच्छा उनका भी एक्टिंग है साई मांजरेकर का भी बहुत अच्छा एक्टिंग है बहुत अच्छा लगा मुझे भी फैन बन गया इनके पहले मूवी में बहुत अच्छा लगा मुझे मुन्ना बदनाम तो बहुत भारी था मुन्ना बदनाम के गाने में बहुत अच्छा था मूवी सुपर से ऊपर था काफ़ी अच्छी थी एक्सपेक्टेशन से अच्छी थी काफ़ी अच्छी आई मीन आई लव्ड इट या सलमान सर का डांस एक्शन रोमांस एवरीथिंग इज देयर वो भी अच्छा सॉन्ग लगा मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो हरीन जरीन का जो सॉन्ग है दैट आई लव दैट इज मुझे तो सोनाक्षी और सलमान सर की जोड़ी अच्छी लगी बहुत ही बढ़िया लगा है सर कितना अच्छा एक्टिंग किया है ये तो एक्टर नहीं परफॉर्मर है सर एकदम बढ़िया लगा है स्टोरी लाइन सेम ही है देखो वांटेड फिल्म के बाद से ये जो हमारी सलमान खान की जितनी फिल्म्स आ रही हैं ऐसी ही हो रही हैं शुरुआत होता है प्रॉब्लम दिखाते हैं वो आके मारते पीटते फिर आके डांस करते हैं फिर अपनी पत्नी के पास जाते हैं फिर अपने भाई के पास जाते हैं फिर प्लॉट होता है फिर भाई को नीचा दिखाते हैं फिर भाई प्लॉट में घूम के आता है फिर वो हेल्प करता है ये पूरी सलमान की सारी फिल्में अगर आप देखो ये ऐसी चल रही हैं लेकिन इसमें किस तरह से इट्स लाइक कुकिंग अ बिरयानी बट हाउ यू कुक इट सो इट वॉज क्वाइट डिफरेंटली कुक्ड द बेस्ट थिंग इज़ द डायरेक्शन और जिस तरह से कैमरा एंगल्स यूज़ की गई हैं सिनेमाटोग्राफी हुई है जो फाइट सिक्वेंसेस है अब हर एक फिल्म में देखो एंड में सलमान की फिल्म जो होती है एंड में ही इज़ फाइटिंग विद बेयर शॉट एंड इट्स अ रेड टोन सो आई थिंक इज़ क्वाइट सेम इन स्टोरी लाइन सो इट वॉज नथिंग अनएक्सपेक्टेड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम कि वही पे लास्ट में टांग देंगे उसको और फिल्म में वो बोलता भी है सलमान कि अरे क्या यार एंड में तुम मेरी बीवी को लेकर टांग देते हो हर वक्त सारे विलन्स एक ही हो यू नो सो इट वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड कि कैसा रहेगा स्क्रिप्ट नया देखिए जब चल रहा है तो चल रहा है अभी अगर मैं टी शर्ट में अच्छा लगता हूँ मैं शर्ट पहन के क्यों आऊँ है ना सीधी बात है सो ही इज़ एबल टू गिव अस गुड सिनेमा सी हाउ पीपल आर एक्साइटेड और इसमें जो गाने के सिक्वेंसेज है मैं तो खुद नाच उठा था आधे लोग सीटियाँ मार रहे हैं कोई ऐसे सीटियों पर सीटियाँ मारे जा रहे हैं मैं भी बंगाली स्टाइल में वो किए जा रहा हूँ सो इट वॉज मोर अभी हम बैठ के हम जज क्यों करें भाई हम एंटरटेन होना है सारा दिन हालत ख़राब होता है यहाँ पे आधे लोग मतलब परेशान करते हैं यहाँ पे आके हम एंटरटेन होते हैं सो इट्स फाइन इफ़ यू शोइंग अस द सेम स्टोरी लाइन बट इफ़ यू गिविंग अस समथिंग न्यू डायलॉग्स अच्छे थे इस बार VFX बहुत अच्छी थी जिस तरह से चश्मा घूम के गिरता है इट वॉज मोर कन्विंसिंग एंड रियल और एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि आप देखिए साउथ मूवीज़ में क्या होता है वो नॉर्थ के बंदों को लेके विलन बनाते हैं और अभी हमने भी शुरू कर दिया कि हम साउथ के बंदों को लाके हम अपने विलेन बना रहे हैं सो इट्स अ गुड गिव एंड टेक दैट बॉलीवुड एंड टॉलीवुड हैज नाउ ओके पहले तो जानना चाहेंगे मैम किस तरह चुलबुल पांडे ने आप सब
बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है भाई। जैसे मैं किच्चा सुदीप के लिए सीटी नहीं बजा सकी, भाई के लिए भी नहीं बजा सकी, क्योंकि मुझे सीटी बजानी आती नहीं है। बट मेरे आगे कुछ लोग बैठे थे, वो लोग बड़े अच्छे से सीटियाँ बजा रहे थे, तो उसमें मैंने मज़ा ले लिया। मैंने टू नहीं देखी है, मैंने वन देखी है। एंड आई थिंक बिकॉज वन वॉज द स्टार्ट, इट इज़ समथिंग विच वी हैड नॉट सीन, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली थोड़ी सी और ज़्यादा थी। बट द मूवी इज़ ओवरऑल गुड, पैसा वसूल। भाई को देखना इज़ ऑलवेज अ ट्रीट, एंड भाई के साथ फिर किचा सुदीप को भी देखने को मिला। साई वॉज अ वेरी ग्रेट सरप्राइज, शी इज़ रियली गुड। आई रियली लाइक्ड द वे यू नो हर डेब्यू हैज़ हैपेंड। शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ वेरी इमोटिव। मुझे उसकी और जो भाई की जो केमिस्ट्री है, यू नो इट एक्चुअली इट्स लाइक अ न्यू रोमांस जब होता है, तो वो जो सॉफ्टनेस जो होती है, वो रोमांस जो होती है, दैट शी हैज शोन वेरी वेल, यू नो। सो ऑफकोर्स भाई इज़ अ सीजनड एक्टर, भाई कैन शो इट, बट फॉर हर बींग अ डेब्यू आई थिंक शी इज़ डन रियली वेल। सो या न, सोनाक्षी सलमान इज समथिंग विच वी हैव सीन, साई सलमान इज समथिंग विच वी हैव नॉट सीन। सो द न्यूनेस जो था उसमें, और वो जो लाइक यू नो क्या होता है, वो पहले प्यार का वो जो ये होता है ना, जो एहसास जो होता है, वो जो उन्होंने जो दिलाया है, वो ऑफकोर्स बींग सो मच ओल्डर, मुझे भी थोड़ा दिल में कुछ हुआ। एंड किचा सुदीप इज टू गुड, अ बिग बोनस गॉट टू सी प्रभुदेवा। प्रभुदेवा के साथ मुझे भी मन करा मैं जाके डांस करूँ थोड़ा। सो ही वॉज अ वेरी नाइस सरप्राइज फॉर मी। ऑनेस्टली स्टोरी की वजह से मैं 3 बोलूँगी, अदरवाइज द मूवी इज़ रियली वेरी गुड। बहुत अच्छा, सलमान खान ने अपना जो फिजीक है वो वैसे मेंटेन रखा है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, और उन्होंने एक बार डिसअपॉइंट नहीं किया फैंस को। बट मुझे स्टोरी लाइन थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है, कि बहुत प्रिडिक्टेबल है। फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकेंड हाफ में आपको पता है कि क्या होगा, तो वो प्रिडिक्टेबल हो जाती है, तो उतना मज़ा नहीं आता है। इट नीड्स टू बी अ थ्रिलर, और बहुत सारे गाने डाले हुए हैं। साजिद वाजिद का म्यूज़िक अच्छा है, बट बहुत सारे अनयूजुअल सिचुएशनल सॉन्ग्स होने चाहिए, तो अच्छा मज़ा आता। बट इट्स अ मास एंटरटेनर, क्योंकि एक्शन भी है, कॉमेडी मोमेंट्स भी हैं, सब कुछ है, बट स्टोरी पे और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। बोर तो नहीं हुए तभी, यू नो, और बीच में फर्स्ट हाफ तो जैसे चल रहा है, यू विल एंजॉय। सेकेंड हाफ में जो सुदीप और सलमान खान के सीन से, वो बहुत ही वर्थ वॉचिंग है, और लास्ट में जब सलमान खान ही टेक्स ऑफ हिज शर्ट, सो ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड फिजिक। सो कंसिडरिंग दैट, आई थिंक दैट इज़ व्हाट द फैंस कम फॉर, यू नो, दे ही हैज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, तो जो भी मसाला होना चाहिए वो है, लेकिन अगेन स्टोरीज पे ध्यान देना चाहिए था। और रीतेश सोनी जो इसके एडिटर है, उनको एडिटिंग पे ध्यान देना चाहिए था। 2 hours 45 minutes, इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल मूवी, इट्स एन एक्शन थ्रिलर, तो इट कुड हैव बीन शॉट बाय हाफ एन आवर। सोनाक्षी और सलमान की स्टोरी जोड़ी इस बार भी स्टनिंग थी, बट उनकी जो केमिस्ट्री साई के साथ है, साई मांजरेकर, बहुत ही हॉट है, बहुत मज़ा आ गया दोनों को देख के। साई के पास वो रॉ लुक है, और वो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। नहीं नहीं, जो भी वो सीन्स में आई, उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ दी, क्योंकि शी इज़ एन अपकमिंग एक्ट्रेस, और सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इनफैक्ट इससे ज़्यादा, सोनाक्षी सिन्हा से ज़्यादा वो बहुत लगी, कि यू नो शी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी टैलेंटेड। आई फील आँखें इतनी इंटेंस हैं, और वो रोमांटिक सीन्स में दोनों की केमिस्ट्री, बहुत मज़ा आया देख के। अरे चुलबुल बंड में तो स्टार्टिंग में यार 4 गुंडे से कैसे लड़े हम लोग, खोब हो गए। पहला गुंडा तो यार थोड़ा कॉमेडी है, फिर बाद में जो एंट्री किया धड़, अरे कौन है, अरे मोबाइल में कैमरा निकल रहा है, अरे एंट्री लेनी है, अरे मोबाइल एक तो चालू नहीं, अरे फिर बाद में कैसे करके चला, अरे अभी मज़ा आया, एंट्री फुल मस्त, एंट्री मस्त रह गए, तो एक नंबर। जैसे रजनीकांत सर के फैन है, जैसे हम सलमान सर के फैन है भाई, हम एंट्री देखे सलमान कर ज़्यादा बार भी गए, भाई मूवी का इकली थोड़ा ही मारो ना, ज़्यादा मारोगे तो यार हमको फिर सलमान सर मार कर रहे यार, इसके बाद क्या हमको थोड़ी पता है, थोड़ा तो ये 2 तो देना ही चाहिए, तो फिर पता, अरे अब मेरा हीरो उठेगा। देखो स्टोरी लाइन तो फर्स्ट भी बेस्ट थी, सेकंड भी अच्छी थी, विलन भी बेस्ट थे, तीसरे में भी, विलन की बात करूँ तो तीसरे में जो सुदीप सर का जो ख्वाब रहता है ना, एटीट्यूड वाला, जो 1000 और 1500 के बीच हमने को पता है भाई विलन कौन है, अरे भाई यही विलन है, यही विलन है, कोई भी पहचान जाएगा, वैसा खोपता एटीट्यूड, ज़्यादा मतलब ओवर नहीं बोलना, ज़्यादा कुछ, जितना उनको पता है सिचुएशन क्या है,
उतना ही बोलना, जबरदस्त। और दबंग के स्टेप तो हमेशा सुपर डुपर हिट ही होते, कौन कौन से स्टेप मतलब आप तो अपने मतलब? ये तो पहला वाला था, दूसरे में तो शायद पता नहीं, अब तीसरे में तो और फुल मस्त है, एक से एक स्टेप है, मतलब हम कहीं जाके यूज कर सकते हैं, हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, पब्लिक को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ये एंटरटेनमेंट मूवी है किसी को हम दिखाने के लिए। हाँ केमिस्ट्री एक रोल के लिए बेस्ट है, बट बेस्ट जो केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं सोनाक्षी मैडम और सलमान सर की, क्योंकि हम उनके और इनके में एज में हाँ जो फर्स्ट था वो एंडिंग तक रहता है, फिर बीच में कोई नया आया क्या है, मज़ा फर्स्ट में भाई, पहला प्यार होता है, सही है ना। चुलबुल पांडे इज विद बैंग और बहुत सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी है, बहुत मसाला एंटरटेनर है और सलमान खान फैंस के लिए बहुत ट्रीट है और न्यूट्रल फैंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है मूवी। जी एक्शन सीक्वेंस मुझे बहुत मज़ा आया, जो फेस ऑफ था किच्छा सुदीप और सलमान का वो बेस्ट पार्ट था मूवी का, ऐसा लग रहा था मतलब टक्कर है, हीरो और विलन की टक्कर है, तो मज़ेदार था वो। वन और टू से ऑफकोर्स स्टोरी इसकी दबंग थ्री की बेटर है, सलमान खान ने लिखी है, बहुत अच्छे से स्टोरी लिखी है और दबंग थ्री वन और टू से भी मतलब काफ़ी बेटर मूवी है, मतलब हर चीज़ में बेटर है, मतलब वो खाली मास एंटरटेनर थी, ये इमोशनल सीक्वेंस है, इसमें कुछ नया है, जैसे कि स्लो मोशन डाला गया है वो नया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा था स्लो मोशन और मूवी में एक्शन है, कॉमेडी भी डाली गई है बीच में, तो ओवरऑल मतलब मूवी वन और टू से बहुत सुपर डुपर एक्स्ट्रा बेटर है। साई मतलब जितने मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी है और उसको जो रोल्स मिलते रहेंगे तो वो दीपिका और आलिया भट्ट के लेवल पे आ जाएगी, तो उसको जितना रोल मिला उसमें उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो सलमान खान के साथ केमिस्ट्री बहुत क्यूट थी, मतलब दोनों की केमिस्ट्री कंपेयर करें तो मुझे साई और सलमान की केमिस्ट्री बेटर लगी, दोनों क्यूट लगते हैं सलमान और साई, और सलमान और सोनाक्षी सुपर सेक्सी लगते हैं। 4.5 थ्री स्टार्स 4.5 4.5 भाई को 5 के 5 स्टार दे दूँ 5 out of 5 स्पेशली विद कीचा फर्स्ट डेब्यू एंड द क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज इज हॉट ही सेक्सी कीचा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.